हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। सो गाइस, आज हम बनाएंगे कॉर्न्स की रेसिपी। सो हम कॉर्न्स को थ्री टाइप से बनाएंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट कॉर्न रेसिपी इज़ बटर कॉर्न्स, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेकेंड इज़ चीज़ चिली कॉर्न रेसिपी। एंड फाइनली द थर्ड इज़ मसाला कॉर्न्स। गाइस, मैंने यहाँ पर 2 बाउल कॉर्न्स लिए हैं। मैंने ये नॉर्मल कॉर्न्स लिए हैं, जो हमारा भुट्टा होता है उसके दाने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए, मैंने वॉश करके इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अभी हम इसको बॉयल करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस पर पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा पानी लिया है कॉर्न्स को बॉयल करने के लिए। सबसे पहले इस पानी को बॉयल होने देंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें कॉर्न्स डालेंगे। सो गाइस, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम जो हमने कॉर्न्स लिए हैं वो इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने नॉर्मल कॉर्न्स लिए हैं, इसलिए इसको हम लगभग 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। 3 से 5 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। अगर आप फ्रोज़न कॉर्न्स ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो बॉईल होते हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करेंगे। गाइस, 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमारे कॉर्न्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। गाइज, ये देखिए, हमने कॉर्न्स को अच्छे से छान लिया है, अच्छे से इसका सारा पानी रिमूव कर दिया है। बट अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो उसको हम कढ़ाई में डालकर ड्राई करेंगे। अभी हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, जो हमारे कॉर्न्स हमने छाने थे, अभी हम उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो एक्सेस वाटर है वो हमें एकदम ड्राई करना है इसको। तो इसको 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही कंटिन्यू स्टिर करेंगे, ताकि अच्छे से सूख जाए। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं, कॉर्न्स का वाटर अच्छे से सूख चुका है। सो अब हम बनाते हैं हमारे फर्स्ट रेसिपी ऑफ कॉर्न। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बटर कॉर्न्स। तो हमने थोड़े से कॉर्न एक बाउल में अलग कर लिए हैं। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए, जिससे कि एक जो क्रीमी टेस्ट आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इसको अच्छे से स्टिर करते रहेंगे जब तक बटर हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। सो गाइस, बटर एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉर्न्स एकदम रेडी हैं। सो अभी इसको एक कप में पलट लेते हैं। सो गाइस, रेडी हैं हमारे ये बटर कॉर्न्स। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। सो प्लेट में रख देते हैं, बनाते हैं दूसरे टाइप के कॉर्न्स। सो गाइस, नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं चीज़ चिली कॉर्न मसाला। सो इसके लिए हमने कॉर्न्स ले लिए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्न्स गर्म होने चाहिए। अभी इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर मेल्टेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अभी डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़। अब इसको पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि बटर और चीज़ दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएं। इसमें सबसे इसका सीक्रेट सबसे यही एक मैं इसका सीक्रेट बताने जा रही हूँ आपको। इसको 1 मिनट तक कंटिन्यूसली हमें स्टिर करते रहना है,
जब तक हम स्टिर नहीं करेंगे तब तक हमारा ना चीज़ मेल्ट होगी ना बटर, तो कंटिन्यूसली हमें स्टिर करते रहना है। गाइस देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है चीज़ और बटर भी, तो अभी हम इसको एक कप में निकाल लेते हैं। सो गाइस देखिए चीज़ और बटर दोनों अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, अब हम इसको एक पेपर कप में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स रेडी हैं ये चीज़ चिली कॉर्न्स, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं टेस्ट में। इसको भी प्लेट में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड टाइप ऑफ कॉर्न रेसिपी। तो अब हम बनाने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ रेसिपी जो कि है मसाला स्वीट कॉर्न्स। सो गाइस इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। और अभी इसमें डालेंगे बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस रेडी है हमारा मसाला कॉर्न, अब इसको एक पेपर कप में पलट लेते हैं। सो गाइस रेडी है हमारा चटपटा मसाला कॉर्न, देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये, कितने अच्छे से गार्निश हुआ है इस पर मिर्च। सो गाइस रेडी है हमारा बटर कॉर्न्स, देन चिली चीज़ कॉर्न्स, इसके बाद है मसाला कॉर्न्स। सो गाइस कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। सो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।